हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी यू विद कमल। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम परफेक्टली कैसे अटैच करते हैं नेक को अपनी कमीज़ के साथ, वो सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक स्टफ़ का पीस लिया है जो मैंने 9.5 इंचेस के लगभग विड्थ ली है और मैंने 10 इंचेस इसकी लेंथ ली है। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं अपने नेक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर से मार्क कर लेंगे जो 4.5 इंचेस के लगभग आएगा। जो मैंने इस पे नेक अटैच करना है उसकी विड्थ 5 इंचेस है, तो उसके लिए मैं 2.5 इंचेस ईच साइड उस सेंटर वाले मार्क के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। अब इन मार्क्स के ऊपर हम अपना नेक अच्छे से प्रेस करके लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक अटैच कर लिया है अच्छे से प्रेस करके। अब हम इसका एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इसको कट कर देंगे। मैंने थोड़ा सा मार्जिन लिया है लगभग 1 इंचेस के अराउंड। आप देख सकते हैं आपको कितना मार्जिन चाहिए। अब हम इस शेप को कट कर लेंगे। मैंने नेक कट कर लिया है। अब हम इसको रफ स्टिच देंगे। हम अपने एक्स्ट्रा स्टफ को ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे राउंड नेक में एक रफ स्टिच देंगे। हमने स्टफ को लूज नहीं छोड़ना है, हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करना है। हमने नेक के ऑल राउंड स्टिच कर दिया है। आप देख लें कितनी परफेक्टली स्टिच हुआ है। अब हम जो एक्स्ट्रा स्टफ है उसको कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड भी कितनी परफेक्ट आई है। हमें जो नेक की लेंथ चाहिए, जो हमारा रेडी नेक है, वो है 6.2 इंचेस। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको मार्क करेंगे। सिक्स पॉइंट टू हमारी रेडी लेंथ है। और इससे हाफ इंचेस या पर मार्क लगाएंगे इसके ऊपर, हाफ इंचेस पे। ये हमारा कटिंग का मार्क होगा, इसको हम कट कर लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने जो हमारे शोल्डर जब अटैच करेंगे उसके लिए लिया है। तो ये आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आपका रेडी नेक होगा उसको उसमें आपको हाफ इंचेस ऐड करके आपको नेक कट करना है।
अब हम इसका सेंटर से मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो इंची टेप की मदद से मार्क कर लें, मुझे ऐसे करना अच्छा लगता है और इजीली है तो मैं ऐसे करती हूँ। और ऊपर हम सेंटर में एक छोटा सा वी शेप में कट लगा देंगे, तो हमारी नेक की मार्किंग जो हो चुकी है, अभी हम थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। अभी हमें फ्रंट पीस, जो हमारी शर्ट का फ्रंट पीस पे है, उस पे भी सेंटर पे मार्किंग करनी है। चाहे तो आप इंची टेप की मदद से कर लें, वरना आप उसे हाफ से फोल्ड करके, जैसे सेम जैसे हमने नेक की मार्किंग की थी सेंटर में से, वैसे ही हम इसकी करेंगे। तो मैंने कपड़े को अच्छे से सेट करके बिछा लिया है। अब हम इसको सेंटर से मार्क करेंगे। इसके ऊपर भी हम सेंटर में एक वी शेप का कट लगा देंगे। अभी इन मार्क को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इन मार्क्स के ऊपर हम हमारा नेक अटैच करेंगे। पहले हम इसको सेंटर से एक रफ स्टिच देंगे। इन मार्क्स को मिलाते हुए हमें एक रफ स्टिच देनी है। अब हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो हिले नहीं। दोनों साइड हम ऐसे पिन्स लगा देंगे। इससे जो है हमारा नेक ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। और अब हमें बिल्कुल जो हमारी कैनवस है, बुकरम है, उसके बिल्कुल साथ, नेक के साथ साथ हमें स्टिच देनी है। ये ध्यान रखना है कि स्टिच जो है वो नेक के ऊपर नहीं जाए, बिल्कुल उसके साथ एजेस तक उसकी सीन आनी चाहिए। जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल साथ आनी चाहिए। अभी हम ऐसे ही इसको हल्के हाथ से सेट करके इसको स्टिच कर लेंगे, अटैच कर लेंगे हमारे शर्ट के पीस के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैं जो स्टिच है वो कैनवस के साथ साथ आ रही है। ना मैंने इसके ऊपर स्टिच लगाई है, ना इससे थोड़ी दूर। इससे जो है हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है।
अब जो है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कट कर लेंगे। हमें ऐसे ही थोड़ा सा स्टफ छोड़ के कटिंग करनी है। जैसे कि मैंने कट किया है, अब ये हम इसके ऑल राउंड वी शेप में कट देंगे नेक के। ये ध्यान रखना है कि हमारे कट जो है वो हमारी सिलाई तक नहीं जाएं, सिलाई के ऊपर ऊपर हमें ऐसे कट लगाने हैं। मैंने कट लगा लिए हैं अपने नेक में। अभी जो रफ स्टिच है वो हम निकाल देंगे और हमने नेक को उल्टा दूसरी तरफ उल्टा देंगे। अब हम नेक को भी एक रफ स्टिच से अच्छे से सेट करके फाइनल है जो वो सिलाई दे देंगे। ये वाली स्टिच जब तरपाई हो जाती है तब हम इसको निकाल देंगे। कपड़े को हाथों से सेट करके थोड़ी थोड़ी हमें ऐसे सिलाई लगानी है। इससे हमारा जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। अभी हमें ऐसे ही ये ऑल राउंड शेप में स्टिच दे देनी है। आप भी ऐसे ही नेक अटैच करके कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे, आपको कैसे लगा। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।